अरे तो नींद में सोया हुआ है। नींद में? सॉरिया नाटक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप थोड़ी देर के लिए आ रहे थे ना, तो मम्मी और मेरा प्लान यही था। हाँ गेट उठ जाओ, चलो ब्रश करो। चैनल और महाराष्ट्र दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा। और आज है रैली। आप बोल रहे हो कि इतने सुबह सुबह तू कहाँ पे उठ के जा रहा है, और मैं बता दूँ 6:17 हो रहा है अभी। आप बोल रहे हो कि इतनी जल्दी जल्दी उठ के कहाँ पे जा रहा है शौर्या, तो हम लोग जा रहे हैं साइकिल रैली में, पर मैं साइकिल नहीं चलाने वाला। मैं जाने वाला हूँ जीप में, और वहाँ पे 200-300 लोग होंगे जो साइकिल चला रहे रहेंगे। बहुत मज़ा आएगा यार, एकदम मज़ा आएगा। तो चलो अभी चलते हैं। चलो चलो चलो। पापा वो लोग आ गए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। अरे वाह। चलो अंकल, मैंगो लस्सी। अभी सब ऐसे मेरे मैंगो लस्सी। अरे नहीं, वो अंकल ने बोला मुझे रिमाइंडर दे देना, मैं लेके आऊंगा। फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग किया कि नहीं तूने? हाँ किया ना। कब का गाइस, आप अभी पापा को ही बताओ कि मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला कि नहीं। अगर मैंने नहीं बोला ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। देखो ये कैसे आंगन पीला हो जाता अपना। हाँ पीले को सारा आंगन पीला हो जाता है। देखो गाइस, हमने कल ही इसको पूरा पेंट करवाया येलो कलर का। निसर्ग बिखेरता है। ये हाँ। क्या है, ये क्या है? हल्दी। दिस इज शेव सॉइल। मुझे फिर ये बताओ पापा, ये क्या है? शेव सॉइल। पर ये लोग कब आएंगे? शेव सॉइल। वही तो बड़ी मुश्किल से उठा। होगी नींद? नींद हो गई क्या? हम दोनों गाड़ी क्वालिटी में रखते हैं, क्योंकि अब सिंगल ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
सेंटर। माती वाचवा कुछ ना कुछ होता ही है। Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. चलो सुबह सुबह नाश्ता सुबह ही होता है ना नाश्ता इतना हैवी लंच और नाश्ता दोनों है ये वो इसका हम लोग उठे थे 6 बजे इसलिए मैं सो गया था थोड़ी देर। मैं जैसे ही उठा मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे दिखता ये दाढ़ हिल रही है ना दाढ़ हिल रही है और वो इतनी ऐसे फुल 90 डिग्री पे झुक गई है तो मन कर रहा है उखाड़ू मैं इतना ये नहीं ना बेटा उखाड़ते नहीं अपने आप निकल जाएगी थोड़ा सा धीरज धरो थोड़ी देर रुक जा निकलेगी थोड़ा सा धक्का मार तोड़ूंगा पुराने जमाने के कॉइन्स ये देखो 10 रुपीस का कॉइन है 1986 का ये भी एकदम पुराना है ये भी 1984 का ही है और ऐसे एकदम पुराने पुराने कॉइन्स है इसके ऊपर तो डेट ही नहीं है तो बहुत उसको देखना पड़ेगा कैसा ये देखो ये 1 पैसा छेद वाला ये भी ये क्या है वो भी पैसा ही है पहले पैसे होते थे ना हाँ ये देखो ये 1 पैसा 1954 का इससे भी पुराना है ना हाँ यार अच्छा से देखो 56 का है वो ये 55 का है ये 1/4 आना है ये 1/4 आना 1929 का है 1/4 आना इंडियन
ऐसे बहुत सारे, देखो बीच में ये 10 पैसे आए थे, इतने छोटे छोटे 10 पैसे आए थे, वो रखे। फिर ये 25 पैसे, ठीक है। फिर ये जो है 25 पैसे, एक 16 का भी था ना मम्मा, कुछ 16 का। हाँ ये 20 पैसे आए थे। हाँ फिर ये 5 पैसे, ठीक है, ऐसे इकट्ठा इकट्ठा। फिर ये देख बीच में ऐसे, ये जो 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़। फिर ये 25 इस तरीके के आए थे, 25 एकदम सर्कल। ये 10 रुपीज़ जैसा, ये 1 रुपीज़ जैसा, 1 रुपी का था ना यहाँ पर, ये देखिए इसी के जैसा, ये इससे भी छोटा, ऐसे आए थे बीच पहले ये देखो। और फिर 5 रुपए जो है वो इतनी बड़ी साइज में आए थे बीच में, ये इतने बड़े। मेरे अंगूठे मम्मी, हाँ। वो नॉर्मल वाला 5 रुपए रखो तो, 5 रुपीस पहले जो उठाया था, ये वाला देख इसमें और इसमें कितना अंतर है, ये इतनी बड़ी साइज का आया था बीच में, है ना। ये भी वही है ना। फिर ये पुरानी 50 रुपीस, ये देखो 1 रुपीस का कॉइन भी है। फिफ्टी पैसे। हाँ फिर ये बीच में ऐसे 50 पैसे आए थे स्टील के, ठीक है। फिर पहले ये 10 पैसा ऐसा रहता था, फिर बाद में ये 10 पैसा ऐसा भी आया, ये थोड़ा सा कट गया है वो, इसका सही वाला भी है ना, ये देखो यही है ना, ये वाला देखो, इस पे लिखा है रुपए का 10वां भाग, पूरा ऐसे लिखा हुआ है रुपए का 10वां भाग। ये भी 57 का है, 1957। यार अपने पास 16 ऐसी हॉबी थी शौर्य मम्मा, मेरे पास 18 के कॉइंस भी थे ना, है 18 के। तूने वो पर्स लाई नहीं, बहुत सारे कॉइंस है, रुक जा मैं लाऊं क्या। हाँ लाओ लाओ लाओ। और ये 5 रुपए के ये भी है नोट, 5 रुपीस का नोट। हाँ गाइस, अभी पापा और दादा गए हैं काम से बाहर, और यहाँ पे मम्मी बना रही है भरवा टेंडा। ये मसाला है क्या मम्मा? हाँ बेटे, ये मसाला है, इसमें है प्याज और अपना इसका टिंडे के अंदर का जो निकलता है वो, धनिया और पूरे सूखे मसाले, है ना। इसमें है हल्दी, नमक, तिखट और थोड़ा सा चाट मसाला, है ना, और तिल्ली का कूट। अच्छा तिल जो रहते हैं ना अपने, वो एकदम थोड़ा सा लिया, क्योंकि गर्मी के दिन है इसलिए हाँ। ज्यादा नहीं खाते ना मम्मा। अभी आप जल्दी से बना लो। हाँ। यार लाइट कितनी देर की गई हुई है, मिक्स कर। हाँ ना, बहुत देर की गई लाइट, कपड़े भी अपने आधे धो के मशीन में पड़े हुए हैं, वैसे ही तो सब काम अड़े हुए हैं, है ना। हाँ। अभी आजकल अपने यहाँ भी लोड शेडिंग होने लगा है। हाँ। इवनिंग स्नैक्स जो हम लोग मिलके खाएंगे, रोटी पिज्जा मेरा फेवरेट। और मम्मा कितनी परफेक्ट बनी थी, मतलब रोटी एकदम अंदर से भी ऐसे फूल रहा है वो, वहां पे भी मेरे हाथ की रोटी है वो, हो गया शो ऑफ। मम्मा शेरकुल्ले मैं बनाऊंगा, मम्मा नहीं मैं ही बनाऊंगी, मम्मा मैं हूँ सुपर शेफ, मास्टर शेफ। सॉरी बेटा, सब आते भी आता, मैं शेफ शेफ मत करो, ये लो मैं हूँ सुपर शेफ। रुको मैं जा रहा हूँ, बाय, बना लेना। बाय।
गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग मिलके, वो रहा शाहू, इधर देख जाने दो, ये है शाहू, ये है शिवम और ये हूँ मैं। हम लोगों की पूरी फैमिली चल रही है घूमने के लिए और मजा करने के लिए, तो चलो। गाइस अभी टाइम हो गया है कुल्फी पार्टी का, सब लोग खा रहे हैं कुल्फी और हमें मजा आ रहा है कुल्फी खाने में। मैं तो नहीं लेके गए, तू नहीं आई। मैं हम सब लेके गए, हम लोग सब लोग गए पर ये नहीं आई, ये बहुत ही हंसी है। लेके नहीं गए सब शतम है अपन। और ये देखो सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब लोग बैठ के कुल्फी खा रहे हैं। ये भी वो खड़े हैं, ये लोग भी। वैसे मत खड़े हो सौर्या, गिरे भी तो कहाँ पे गिरेंगे, देखो ना गिर भी नहीं सकते यहाँ से। ऐसे टर्न कर, आप बता ये इतना बड़ा पेपर क्यों, देखो पेपर नहीं लेना ये क्यों, ये छोटा भी है ना। हम लोग प्रोफेशनल नहीं है अभी, हम लोग प्रोफेशनल बन जाएंगे उसके बाद। तेरी पहली कैसे चल रही है मेरी दूसरी, चलो निकलो बाहर। गाइस अभी हमारा एंजॉय करके हो चुका है, हम लोग उधर भी गए थे, मतलब गए नहीं थे, हमारे घर के सामने श्याम अंकल, तो आपको पता ही होगा, जो नए हैं उनको पता, तो श्याम अंकल मेरे पापा के फ्रेंड है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे कुल्फी खाने के लिए, क्योंकि हमें हो जाता लेट और हम लोग तोताराम की कुल्फी नहीं खा पाते, तो इसलिए हमने बोला कि तुम लोग मंगवा के रख लो कुल्फी। और फिर हम लोग उधर गए और हमने खा लिया और हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किए। और चलो फिर आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक करना, आगे का आपको पता ही है।